प्रॉफिट छोड़िए 2019 तक रेवेन्यू भी जीरो और लॉस 360 करोड़ एनुअल और वैल्यूएशन 2200 करोड़ की, फिर भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर क्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में खड़ा है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कुणाल शाह ने ये चमत्कार किया कैसे। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टार्टअप पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रेड की केस स्टडी और जानेंगे क्रेड काम कैसे करता है, क्रेड का बिजनेस मॉडल और फीचर्स, और क्रेड के नए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्रेड मिंट के बारे में। क्रेड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में लेटेस्ट इंडियन यूनिकॉर्न और क्रेड बिजनेस मॉडल बहुत ही फैसिनेटिंग बिजनेस केस स्टडीज में से एक है। यह एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसे कुणाल शाह ने फाउंड किया है। क्रेड का वैल्यूएशन केवल 2 सालों में 0 से $2.2 बिलियन तक पहुंच गया और यह इस माइलस्टोन को अचीव करने वाले कुछ यंगेस्ट इंडियन स्टार्टअप में से एक बन गया। क्रेड ने अकेले 2020 में 360 करोड़ का मैसिव लॉस रिपोर्ट किया, जो साल 2019 से 492% तक मैसिवली इंक्रीज हुआ है, और क्रेड को हर एक रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 727 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्रेड अपने यूजर्स की क्रेडिट कार्ड बिल पे करने में हेल्प करता है और बिल पे करने पर अमेजिंग रिवॉर्ड्स देता है। इस स्टार्टअप ने टोटल $551 मिलियन की फंडिंग रेस किया है। क्रेड को कुणाल शाह ने फाउंड किया है, जो इंटरेस्टिंगली मुंबई के विल्सन कॉलेज से पढ़े हैं। इन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई की है, इनका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी ये दो फिनटेक स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं। कुणाल शाह का पहला स्टार्टअप फ्रीचार्ज था, जिसे इन्होंने 2010 में शुरू किया था, जिसे 2015 में स्नैपडील ने एक्वायर कर लिया। कुणाल शाह एक एंजल इन्वेस्टर और मेंटोर भी हैं। क्रेड अपने यूजर्स को हर बार क्रेडिट कार्ड बिल पे करने पर रिवॉर्ड्स पॉइंट देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेड कॉइन्स, जिसे आप क्रेड पर अवेलेबल ब्रांड से रिडीम या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रेड अपने यूजर्स के सभी क्रेडिट कार्ड ड्यू को ट्रैक करता है और समय पर बिल पे करने के लिए टाइमली पेमेंट रिमाइंडर भेजता है। यह अनएक्सपेक्टेड फीस और चार्जेस के बारे में इन्फॉर्म करता है जो यूजर्स क्रेडिट कार्ड पर लगाए गए हैं। हालांकि हर कोई क्रेड यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्रेड वही लोग यूज कर सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक हो। आज क्रेड के पास मोर देन 30 लाख यूजर्स हैं और क्रेड ऑलरेडी सभी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन का 20% प्रोसेस कर रहा है। समय क्रेड का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। क्रेड करेंटली अपने यूजर बेस को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, न कि प्रॉफिट कमाने पर। इसका प्राइमरी विजन एक ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी बनाना है और कंपनी आगे चलकर अपना बिजनेस मॉडल बनाएगी। कुछ लोगों का कहना है वे क्रेड क्वाइन में ब्रांड्स को लिस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वे फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा प्रिडिक्शन है कि वे अपने यूजर्स के डाटा का यूज करके अपने बिजनेस को मोनेटाइज करेंगे। करेंटली क्रेड अपने यूजर्स के बैंक डिटेल, बिल पेमेंट्स हिस्ट्री, यूज्ड रिवॉर्ड्स और इंटरेस्ट के आधार पर एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता। वे फ्यूचर में उस डेटा का मल्टीपल यूज कर सकते हैं और इसके अराउंड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेड ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। अकाउंट सेटअप हो जाने पर क्रेड उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर क्रेडिट कार्ड को स्कैन कर लेता है और उसे लिंक कर लेता है। यूजर क्रेड को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब उसका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस हो, अदरवाइज वे उसके वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। एक बार आपको क्रेड का एक्सेस मिल जाने पर क्रेड ऐप आपसे आपके मेल आईडी का एक्सेस मांगता है, जिससे वे आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन जैसे ड्यू डेट्स, स्टेटमेंट, ETC को रीड व एक्सेस कर सके, और इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पे करने पर क्रेड कॉइन कमा सकते हैं। 1 क्रेड कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपीज, यानी कि आपके 1000 रुपए का बिल पे करने पर आपको 1000 क्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। यूजर्स कैशबैक जीतने के लिए क्वाइन को बर्न करने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिससे कैशबैक डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड में जमा हो जाएगा। क्रेड आपको आपके सभी क्रेडिट कार्ड को एक स्थान पर मैनेज करने का ऑप्शन देता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप बहुत से पार्टनर ब्रांड से डिस्काउंट ले सकते हैं। ये आपके टोटल स्पेंडिंग, हिडन चार्जेस और क्रेडिट लिमिट्स को ट्रैक करते रहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिससे आप एडिशनल चार्जेस से बच सके। इसके अलावा क्रेड के कुछ और अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे क्रेड प्रोटेक्ट। क्रेड का एक फीचर है जो आपके ईमेल से आपके सारे स्टेटमेंट रीड करता है और आपके बैलेंस, एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस और ड्यू डेट का इन्फॉर्मेशन देता है। ये फीचर्स यूजर्स को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का एनालाइज करके उनके एक्सपेंसेस को व्यवस्थित करने में हेल्प करता है।
ये क्रेट का नया फीचर है जो इसके IPL 2020 के ऑफिशियल पार्टनर बनने के बाद आया है। जो कोई भी IPL 2021 में किसी भी मैच के पावर प्ले ओवर के दौरान अपने बिल का पेमेंट करता है, वो पेड बिल अमाउंट का 100% कैशबैक जीत सकता है। 2015 में फ्रीचार्ज बेचने के बाद कुणाल शाह लोगों का लाइफ बेटर करने के लिए दूसरे आइडिया पर रिसर्च करने लगे। रिसर्च करते समय उन्होंने पाया कि डेवलप्ड नेशन में बहुत सी चीजें ऑटोमेटेड है, जैसे कि बिना अटेंडेंट के पेट्रोल पंप्स, बिना कैशियर के सुपरमार्केट ETC। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी सिस्टम नहीं जो क्रेडिट कार्ड बिल को राइट अमाउंट में और टाइम पर बिना किसी एडिशनल चार्जेस के लोगों को पे करने में हेल्प करता हो। कुणाल शाह के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड पर 30 से अधिक हिडन चार्जेस और इंटरेस्ट कॉस्ट लगते हैं, भले ही आप अपने पूरे बिल का एक भी रुपया कम चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का करंट मॉडल आपके द्वारा किए गए गलतियों पर फलता फूलता है। वे चाहते हैं कि आप गलतियां करें। यह सिस्टम अच्छे लोगों के महत्व को नहीं समझता। क्रेडिट वर्थी पीपल डिजर्व बेटर। लेकिन प्रॉब्लम यह था, लोग उनके ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों पे करेंगे? फिर उन्हें ट्रस्टवर्दी क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो टाइम पर अपना बिल पे करते हैं उन्हें रिवॉर्डेड करने का आइडिया आया। यूजर्स को अट्रैक्ट करने की इस स्ट्रेटजी के साथ क्रेड की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई। क्रेड ने रिसेंटली अपना एक न्यू प्रोडक्ट क्रेड मिंट के नाम से लॉन्च किया है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ये पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर वर्क करता है। आपने कई लोगों को ब्याज पर पैसे देते हुए देखा होगा। पीयर टू पीयर लेंडिंग वैसे ही काम करती है, बट ये डिजिटल फॉर्म में होता है और RBI इसे अप्रूवल देती है। इसे RBI का परमिशन लेना होता है। क्रेडमिंट आपको 9% पर NM रिटर्न प्रॉमिस करता है, जो इन्फ्लेशन रेट से कहीं ज़्यादा है। अगर आपने क्रेडमिंट में 1,00,000 इन्वेस्ट किया तो क्रेड उस 1,00,000 को 10,000 करके 10 लोगों को लोन दे देगा और एक साल बाद आपको 1,09,000 मिलेंगे। वैसे ही अगर आपने 10,00,000 इन्वेस्ट किया तो अगले साल आपके पास 10,90,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोग्रेस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और आप जब चाहें तब कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।